लगा कि फिर उबराई कर ही जाएंगे। एक गीत हाथ जोड़कर पैर छूकर आप लोगों के चरणों में मैं रख रहा हूँ, और हो सकता है कि दो चार लोगों ने यूट्यूब पे भी उसे सुना हो, लेकिन सुपरहिट गीत है मेरा, सुपरहिट गीत है मेरा जिसे मैं गाता रहा। यूट्यूब पर 10 या 20% लोग गाने को सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जनता बैठी है, मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, तो हाथ जोड़कर आपके चरणों में गीत रख रहा हूँ। और मां साहब धुन बजाइए, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। साल का तो मेरे पास भेज दीजिए, आ जा बेटा, नहीं कुछ कहेंगे नहीं हम, आ जा डरे मत, आ जा। और भैया काऊ बने के लंबो सो डंडा हो तो एक डंडा दे दो, अगर काऊ के पास डंडा हो नहीं लंबो सो बस्ता भरो भरो पर नई जगह मेरे का जा। हाँ बेटा, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय और कर ले जमाना चाहे, कर ले जमाना चाहे लाखों सितमें है, कभी तेरा दामन भैया जी कह रहे हैं कि ये गीत मैंने YouTube पे सुना है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपने सुना है। हाँ फेवरेट गाए जाते हैं नई जगह पर, यहाँ पर मैं पहली बार आया और जब मैं यहाँ पर आने वाला था तो एक दो अखाड़े से बातें होती रहती हैं अखाड़े वालों की, तो कुछ अखाड़ों ने मुझे बताया कि तुम गोपाल जी पहली बार वहां पर जा रहे हो पर जरा संभल के गाना। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कि वहां के लोग फटकेबाजी बहुत गप्पाते हैं, तो मैंने कहा कि भैया मैंने तो गलत जगह की रहे जी, मैं तो ऐसी बातें बद्दी गाता ही नहीं हूँ, मैं तो बदतमीजी गाता ही नहीं हूँ, मैंने तो गलत जगह पे दंगल ले लिया। अब बोले कब ले लिया है, एडवांस आ गया तो गाने के लिए जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर भी मैं आया, आकाश से भी मैंने बात की कि भाई आकाश तुम यहाँ पहले गा चुके, कई बार आप शुरू कर दीजिए दंगल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जनता कैसा गाना बजाना सुनती है, आप गाइए पहले, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा आपका जवाब देने का। आकाश बोला कछु ना आए, 2-3 बजे जनता चली जाते और दुद्दे नंबर फटकेबाजी करनी है मो तो भाई। मैंने भैया ठीक है फिर मैं हूँ करूंगा फटकेबाजी, नहीं मैं आपने कहा था ना फटकेबाजी जनता बहुत सुनती है, तो मैंने कहा था कि मैं भी करूंगा फटकेबाजी, लेकिन जब मैं यहाँ पर मंच पर चढ़ा और इस जनता को और कमेटी को मैंने देखा तो मैंने देखा ये तो बहुत सुनकर लोग हैं, वैसे ही बदनाम कर रखा है रसिया वालों ने, ये सुनते हैं वो सुनते हैं, एक एक अच्छी बातों पर जनता तालियां बजा रही है, इससे अच्छी जनता मिले कहाँ, एक भी शराबी नहीं है यहाँ पर, सच बता रहा हूँ, ऐसी जनता मिले कहाँ, और रात भर गाने नहीं देते शराबी, एक आव ए, 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 बंद कर लेला मजनू का, एक आव ए, जंप मांग रही है वाएगा, तो ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन हाँ मैं धन्य हूँ इस मंच पर आकर के, इस क्षेत्र में आकर के पहली बार आया, धन्य हो गया, एक बार जोरदार तालियां तो बनती हैं। कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, हाय अरे कर ले जमाना चाहे, ये कर ले जमाना चाहे।
देखो सितम है कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम है। पहले रसियाबाजी थी भैया जी, आप कह रहे रसियाबाजी डूब रही है, हमारी वजह से नहीं डूब रही है, तुम जैसे अखाड़ों की वजह से डूब रही है, हमारी वजह से नहीं डूब रही रसियाबाजी। पहले नंबर पर भी मैंने गीत गाया कि आज रोके मत रानी मो बहन की लाज बचानी, और दूसरे नंबर पर गीत गा रहा हूं मैं, पहले रसियाबाजी होती थी। मेरे गुरु अतरौली वाले, मैं अतरौली वालों का शिष्य हूं, मेरे गुरु हैं रमेश, मैं भी नाच रहा हूं, तुम भी नाच रहे हो, और भी जनाने बहुत हैं, लेकिन जनानों में जो नाम अशोक शर्मा जी के विशंबर ने और सत्तो शर्मा जी के रमेश ने किया, कोई ऐसा माइक लाल जनाना आज तक पैदा ही नहीं हुआ धरती पर। क्या बात है, बोलो तब थी रसियाबाजी। एक माइक पे मर्दाना खड़ा है साहूकार शर्मा, एक माइक पे जनाना रमेश गुरु, एक गीत होता था बीके मधुआ के यहाँ पे, एक माइक पे अशोक शर्मा, एक माइक पे विशंबर और एक गीत होता था। विजेंद्र शर्मा के यहाँ पे एक माइक पे विजेंद्र शर्मा और एक माइक पे भिक्को, जनाना मर्दाना एक गीत होता था, बहुत ही रसियाबाजी। मैं 100 रुपए का पुरस्कार दूंगा आपको अगर एक जनाना मर्दाना गीत तुम्हें अगले नंबर पे भी गा दो। गा नहीं पाओगे क्योंकि रंगशाला में तो तुम गुड़िया पकड़ पकड़ के नचा रहे हो मंच पे, कैसे गाओगे गीत, कहां रहेगी रसियाबाजी। ये लड़का है आपके साथ जो गा रहा है, इसको साड़ी पहनाइए, इसको जनाना बनाइए, कुछ शान हट जाएगी। कहानी उस समय की है भैया, हल्की सी सीटी आ रही है, कहानी उस समय की है। सत से बड़ा नहीं दुनिया में, सत के पीछे छिक गए थे, सत के पीछे छिक गए थे 60 भार सोने के लिए तीनों का सीने बिखरे थे। अरे 60 भार सोने के लिए तीनों का सीने बिखरे गए थे। मेहतर बने हरिश्चंद्र, पंडित जी ले गए वारानी है। जो मैं गीत यहाँ पर गा रहा एक सत्यवादी की कहानी है। फूल तोड़ने गयो कुमार, बोलयो कारे ने खाए, रोहित को लेकर गोद में तारा गई मरघट में आए। चांटी में से आवाज आ रही है, ढोलक की चांटी में। हाँ बेटा, हे देवी तू कौन है और बात बता दिल थाम, हे देवी तू कौन है और बात बता दिल थाम, और इस मरघट में क्या कर रही और तू आई है किस काम। कौन है तू महाराज, मुझे पहचानिए, निर्मल आंखों का पानी हूँ, और आशीर्वाद चाहूंगा, निर्मल आंखों का पानी हूँ, और ये तुम्हारा बेटा रोहित है और मैं तो तारा रानी हूँ। अच्छा तारा रानी है तू, तो पर इसे लेकर के क्यों आई है यहाँ पर। बिरह बेदना की दिल में, बिरह बेदना की दिल में जली है जलन है, बिरह बेदना की दिल में जली है जलन है, और लाई पास तुम्हारे जि तुम्हारो ललन है। यहां पर इसको तू लेकर के तो आई है, लेकिन मेरी बात का ध्यान रख। बिरह बेदना की दिल में जली है जलन है, और लाई में पास तुम्हारे के लाई में पास तुम्हारे जि तुम्हारो ललन है। इस मरघट में जो भी कोई आता है तो यहां पर ऐसे मुर्दा कोई नहीं लगाया जाता। देख, अरे कहीं जल में बहा दे इसको, और दोस्तों आशीर्वाद चाहूंगा, देख,
अरे जल में बहा दे इसको, कहीं जल में बहा दे इसको, या कर दे दफने हाये। और अगर इसे यहाँ पे दफनाना चाहती है तो सुन, अरे जल में बहा दे इसको। ये लाइन इसलिए डाली, अगर आकाश भाई आप कहो कि राजा हरिश्चंद्र कोई मुसलमान नहीं थे जो उन्हें दफनाया जाएगा उनके पुत्र को, लेकिन सनातन धर्म में या कोई भी धर्म में अगर किसी को नाग डस जाता है तो उसे जलाते ही नहीं है कभी, उसे या तो जल प्रवाह करते हैं या फिर जमीन में उसे गाला जाता है, उसे कभी जलाया नहीं जाता जिसको नाग खाता है, रोहित को नाग ने डसा, इसलिए कह रहे हैं हरिश्चंद्र। अरे जल में बहा दे इसको या कर दे दफने हाय, ये जल में बहा दे इसको या कर दे दफने, और कर का टका दे या फिर क्या, कर का टका दे या फिर तू दे दे कफने। अरे कालू मालिक के हुक्म पे ये हरिया चलेगा, और मालिक का हुक्म जो मुझको न हरगिज टलेगा। और दोस्तों अगर ये लाइन समझ में आ जाए तो पीछे तक तालियां चाहूंगा। देख, मालिक का हुक्म जो मुझको न हरगिज टलेगा, और ये कालू मालिक के हुक्म पे ये हरिया चलेगा, बिना कर लिए ना यह कोई मुर्दा चले। फर्ज निभाऊं, कर का टका ओ स्वामी अब कहां से लाऊं, रोहित की लाश लेकर अब कहां पे जाऊं, जाऊं किसके पास मेरे तुम्हें सजन हाय। क्या कर रही है? जाऊं किसके पास मेरे तुम्हें सजन हाय। आज इस बात को कह रही है कि तुम ही मेरे सजन हो, लेकिन उस दिन को भूल गई तू। देख, अरे तारा तू उस दिन की याद कर कहानी। भैया जी देसी घी होता उसी रेट में बिकता है वो। हाँ, आज इस बात को कह रही है कि तुम ही मेरे सजन हो, पर तारा तू उस दिन की याद कर कहानी। अरे जाऊं किसके पास मेरे तुम्हें सजन हाय। अब बार बार इस बात को कहने से कुछ नहीं होगा, क्यों? अरे तारा तू उस दिन की याद कर कहानी। कब की? मैं भरने गया था अपने मालिक का पानी। और दोस्तों अब चाहूंगा ताली। अरे मैं भरने गया था कालू मालिक का पानी, हाथ ना लगाया तूने बनी पंडितानी। अरे साक्षी है मेरे सबके ये धरती गगने। तुम्हारे तुम्हारो ही ललन है।
के पास मेरे तुम यो सजन चाहिए। हाँ करकटका चाहिए। अरे तुम भी हो सत पे स्वामी, मैं भी सत पे ठाड़ी, और हमेशा चलेगी स्वामी सत की ये गाड़ी। और मेरे गीत की ये अंतिम लाइन है, उसके बाद भाई का नंबर आ जाएगा। हमेशा चलेगी स्वामी के सत की ये गाड़ी, और कफन के बदले तुमको मैं देती हूँ साड़ी। कथन है अरे कुटर गुरु के में अब और छूता चरने है। बिरह वेदना की दिल में के लाई में पास तुम्हारे तुम्हारो ललन। आजा भैया